वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि पुल का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। पुल के निर्माण कार्य को लेकर लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस सरकार ने दूरदराज के इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से कड़े कदम उठाए हैं और इसी के मद्देनजर शुक्राली पुल के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। इस मौके पर चुराह भाजपा के विधायक हंसराज सहित पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज, हज कमेटी अध्यक्ष दिलदार अली भट्ट, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परवेज अली भट्ट और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ये शिलान्यास उस ब्रिज का किया गया है, शुक्राली ब्रिज का, जो कई दिनों से लोग वेटेड मांग थी, कई सालों से। पिछली मरतबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आए तीसरा में, तो पब्लिक मीटिंग हुई, लोगों ने मांग की और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इन्होंने मांग की कि ये ब्रिज हमारे पांगी और भरमौर को जोड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम रहती है और ये स्लाइड हो गया हुआ है, इसलिए इसका बनना बहुत जरूरी है। यहाँ दो दो तीन तीन दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है, 100 गाड़ी खड़ी हो जाती है, बार बार लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में, लोग पैदल नहीं आ जा सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसकी अनाउंसमेंट की थी और उसके साथ साथ बजट का भी प्रावधान कर दिया और आज मैंने शिलान्यास कर दिया और ये युद्ध स्तर बनेगा और या तो मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन कराएंगे या ठाकुर सिंह भरमौरी करेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इनको साथ लेंगे सब।